अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ भट्ठा की हिफाजत के बारे में। अगर बारिश हो जाए तो आप कैसे भट्ठा को जो है वो बारिश से बचा सकते हैं, क्योंकि ईंटें जो हैं वो कच्ची ईंटें जो हैं वो बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मिट्टी होती हैं, उन पर बारिश अगर पड़ जाए तो वो घुल के ख़त्म हो जाती हैं, मिट्टी बन जाती हैं। ये जी हमने जो है वो नीचे तरपालें बिछाई हुई हैं और उसके ऊपर हमने जो है वो मुकम्मल शापर डाला हुआ है और ढलवान जो है वो पानी की पट्ठा के म्याने की तरफ नहीं दूसरी तरफ बनाई है, ताकि पानी जो भी हो वो दूसरी तरफ से बाहर चला जाए। ये धुआं भी वाइट है, ये आप देख सकते हैं। मौसम जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो चुका है। एहतियातन हमने जो है वो तरपालें बिछा कर ऊपर शापर डाल दिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। ये देखें जी, इस तरह से ऊपर मुकम्मल आपने शापर डाल देना है और शापर की जो साइडें हैं वो हवा बंद कर देनी है आपने। और अगर आपको जो है वो पट्ठे के जिसके तरफ से एंट्री होती है वहाँ से अगर थोड़ी जगह नीचे है तो प्लेट की मदद से वहाँ पे मिट्टी डाल सकते हैं ताकि पानी भराई की तरफ बिल्कुल ना जा सके। इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है। ये देख सकते हैं आपने शापर मुकम्मल डाले हुए हैं, बिल्कुल न्यू शापर लेके आए हुए हैं। और मतलब 10 या 15 फुट के बाद आपने इस तरह से जो है ना मिट्टी डाल के थोड़ी ढलवान बना देनी है ताकि पानी ज़्यादा खड़ा ना रह सके, टुकड़े टुकड़े होके नीचे चला जाए। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो पानी का इतना वज़न होता है कि वो आपकी भराई भी बैठ सकती है। और जो है जहाँ पे आग जल रही हो तो उससे तकरीबन 2 खुड्डे या 2 हूल जिसे कहते हैं वो छोड़ के उससे आगे आपने तरपाल बिछानी है। अगर उसके नज़दीक बिछाएंगे तरपाल जल जाएगी, वहाँ पे काफ़ी जो है वो आग मतलब आग का काफ़ी हरारत होती है वहाँ पे, तो तरपाल वहाँ पे जल सकती है। इस तरह से आपने हर जो है ना वो जिसे हम कहते हैं हर गली पे जो है ना आपने ब्लेड की मदद से मिट्टी लगा देनी है ताकि पानी ज़रा सा भी अंदर ना जाए, पानी की जो है ना वो एक बूंद भी अंदर ना जाए। अगर जाएगी तो भराई बैठ जाएगी, ज़रा सा पानी भी अंदर गया पानी अपना रास्ता खुद बना लेगा। आप देख सकते हैं अभी वाइट धुआं है, ब्लोअर हमारा चल रहा है। भट्ठा जो है अभी हमारा चल रहा है, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक निकासी भी आ जाएगी, फिर आपको निकासी की वीडियो भी दिखाएंगे। इस तरह से आपने मिट्टी की जो है ना लाइन बना दी देनी है ताकि पानी जो है टुकड़े टुकड़े होकर भट्ठा से नीचे चला जाए, और जहाँ पे आपकी भराई एंड हो रही है वहाँ से इस तरह से आपने तरपाल लगा देनी है ताकि वो ईंटें भी ख़राब ना हो। यह तहती तदाबीर बहुत ज़रूरी होती हैं। यह आप तार चेक कर सकते हैं, जिस वक्त बहुत अच्छा तार है और काम बहुत अच्छा जा रहा है। ये जी हमारे जो जलाई वाले हैं वो अभी अपनी रोटी तैयार कर रहे हैं। बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ख़राब है भी, ऐसा ऐसा हल्की फुल्की बारिश चल रही है। आप दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं जिस तरह से तंदूर में पहले हमने आपको वीडियो भी दिखाई है तंदूर की, अब ये रोटी लगाने की वीडियो है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।